ये 80 सप्लाई के लिए जो पुरानी सप्लाई 80 होती हैं उस पे आप इस बोर्ड को चला सकते हैं, और ये 80X सप्लाई के लिए जो नई सप्लाई आ रही है उस पे इस बोर्ड को चला सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है कि आप 80 सप्लाई है तो आप इस पे भी इस बोर्ड को चला सकते हैं, अगर 80X सप्लाई है तो आप इस पे भी इस बोर्ड को चला सकते हैं। पावर कनेक्टर के बारे में बताते हैं कि इसका क्या काम है। सबसे बड़ा कनेक्टर जो होगा यही मेन बोर्ड में लगाते हैं, इसी के ज़रिए मेन बोर्ड में पावर आती है। इसको लगाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। और ये दूसरे कनेक्टर हैं, ये सीडी रोम, डीवीडी रोम या हार्ड ड्राइव किसी में लगाया जा सकता है। और एक छोटा सा ये फ्लॉपी ड्राइव में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंटियम 4 की पावर सप्लाई की पहचान है। ये कनेक्टर पेंटियम 4 की पावर सप्लाई में आमतौर पर होता है, और ये पेंटियम 4 की पावर सप्लाई की पहचान है। इसको बोर्ड में किस तरह लगाते हैं और इसको लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसको ना लगाएं तो प्रोसेसर चंद मिनट के बाद जल जाएगा। इसको लगाना है इंतहाई ज़रूरी है। और इसको बोर्ड में किस तरह और किस जगह पर लगाते हैं, यहाँ पर इसको इस कनेक्टर को लगाया जाता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि ये इसके साथ हुक लगी होती है, ये साथ वाली हुक। इस हुक और इस हुक को आपस में मिला दें और आहिस्ता से पुश कर दें। और ये लगाना नहायत ज़रूरी है।